बात करेंगे बालोद जिले की, जहां पर डोंडी ब्लॉक में ग्राम पंचायत रछई के आश्रित ग्राम देव पांडुम को पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग की जा रही है। यहां तक पहुंचने के लिए बालोद डोंडी मार्ग से कुसुमकसा से होते हुए 20 किलोमीटर दूर पहाड़ियों तक जाना पड़ता है, जिसमें 2 किलोमीटर का कच्चा मार्ग भी पड़ता है। पहाड़ियों पर गुफाएं, पुरानी धरोहर, मंदिर, गुप्त धन का इतिहास और बहते झरने के अद्भुत नजारे को निहारने सैकड़ों पर्यटक दूर दूर से यहाँ आते हैं। यहाँ पर्यटन स्थल बनने से आने वाले सैकड़ों पर्यटकों से आय मिलने के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। पूरे मामले में मंत्री अनिला भेड़िया के प्रतिनिधि पीयूष सोनी ने कहा है कि ग्रामीणों के मार्ग को ध्यान में रखते हुए इसे जल्द ही पर्यटक स्थल बनाने की कोशिश की जाएगी, ताकि धरोहर सुरक्षित रहे। झरना से देखने के लिए तो रायपुर में भिलाई है, दुर्ग है, दल्ली है, बहुत दूर दूर का आते हैं। यहाँ तो और सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? यहाँ पर्यटन स्थल जो देव पांडुम है वो एक पौराणिक स्थल है। वहाँ पौराणिक समय से गुफाएं हैं, बहुत सारे संरक्षित चीज वहाँ उपस्थित हैं। वहाँ के ग्रामीणों द्वारा उसे पर्यटन स्थल घोषित करने का मांग किया गया है। अब अभी माननीय मंत्री जी से निवेदन किया जाएगा, वहां जाके ग्रामीणों की बातों को रखा जाएगा। तो बोले।